फॉर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमें पता है x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इससे क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा, कितने सॉल्यूशन मिलेगा आपको, दो। ठीक है, x का दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन, प्लस वाला खाली हमने लिया यहाँ पे, और दूसरा क्या होगा, ये एक और सॉल्यूशन देगा जहाँ पे आपका आंसर माइनस में रहेगा। ठीक है, तो जो एक सॉल्यूशन था उसको हमने साइन दे दिया अल्फा, और दूसरे सॉल्यूशन को नाम क्या दे दिया हमने, बीटा। तो अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशंस है, दो रूट है, दो क्या, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा, आप दोनों को ऐड कर रहे हो, माइनस बी प्लस द होल रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल रूट अपॉन टू ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मैंने दोनों रूट को प्लस कर रहा, दोनों रूट को क्या कर रहा हूँ, प्लस। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखेंगे, बराबर। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा आपका, कट। क्या बचेगा, माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी माइनस टू बी अपॉन टू ए, टू टू कट हो गया आपका, तो क्या बचा आपका, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट, वैसे अल्फा इंटू बीटा डिफाइन करते हम लोग, अल्फा इंटू बीटा में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल रूट अपॉन टू ए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा स्टूडेंट, बी को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे ए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल रूट को कंसिडर कर रहे हैं बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ए क्या था आपका, माइनस बी था ना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल स्क्वायर अपॉन फोर ए, कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, ए इंटू ए स्क्वायर। और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बी बी स्क्वायर, और ये दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, फोर ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग, ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर की साइन होगी पॉजिटिव, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कट, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, कट हो गया, क्या बचा, फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, फोर फोर कट ए कट, और नीचे स्क्वायर का ए कट, बरोबर ना, तो सी अपॉन ए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपको दो रूट दिया हुआ, अगर आपको दो रूट दिया हुआ है जिसमें से एक रूट होगा आपका अल्फा, दूसरा रूट होगा आपका बीटा, अगर आप दो रूट को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बी अपॉन ए, और दो रूट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, सी अपॉन ए। नेक्स्ट, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट है, दो जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो क्या आपका अल्फा और बीटा, दोनों को प्लस करने पे क्या वैल्यू मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए क्या है, ए आपका टू है, बी क्या है आपका माइनस फोर, सी क्या है आपका माइनस थ्री। अल्फा प्लस बीटा हमने देखा था पिछली स्लाइड में क्या था, माइनस बी अपॉन ए वर्किंग, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए, हाँ माइनस, या माइनस माइनस फोर अपॉन टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस फोर अपॉन टू, सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला, टू। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, टू। अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज नथिंग बट माइनस थ्री अपॉन टू, ये आपका आंसर, समझा आपको ये।
तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना था और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आपका सी अपॉन ए, जस्ट हमने देखा बराबर पहले स्लाइड में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, इसको मैं क्या करूँगा ए से डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा ए से डिवाइड, तो क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्लस था करेक्ट, प्लस को लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पे माइनस लिख के ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिख दूंगा तो बराबर होगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पे क्या था साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस बराबर। तो अब आप देखो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा, और फिर फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसकी मदद से अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशंस दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते सम्स देखते हैं, टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन, टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन, यानी कि फॉर्मूला आप कब कब यूज़ करोगे, जब आपको रूट्स पहले से दिया हुआ है या फिर रूट्स का सम दिया हुआ है, रूट्स का सम दिया हुआ है और रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तब आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो इक्वेशन फॉर्म करने के दो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, पहला दो रूट दिया हुआ है यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको अलग से दिया हुआ है, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो भी आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 2.5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट सम ऑफ द रूट, यानी कि क्या अल्फा प्लस बीटा कितना आपका माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 5। आपको क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें जस्ट अभी देखा कि अगर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो आराम से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या आपका पहला सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ माइनस 7, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हैज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका -7. तो ब्रैकेट में माइनस 7x करेक्ट प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 इक्वल टू जीरो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपने देखा अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, और ये आपको याद है कि इक्वेशन बनाने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बरोबर ना, इक्वेशन कौन से इक्वेशन से हम बना सकते हैं, तो आप इजीली कोई भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है और रूट्स आपको पहले से दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन आपको पहले से दिया हुआ है, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कौन से वो दो रूट्स हैं 0 एंड 4, ये दो आपके आंसर आने वाले हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर जो है वो 0 और 4 आने वाले हैं। तो एक को हम दे देंगे अल्फा और दूसरे को क्या नाम दे देंगे बीटा। सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4 बराबर। अभी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो आपको दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो हम वो दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 कितना होगा आपका
फोर, और दूसरा जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो अल्फा इंटू बीटा, जीरो इंटू फोर, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज जीरो। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गया, अब आपका इक्वेशन बताना चाहिए। इक्वेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद होगा तो ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे, अगर ये याद नहीं है आपको तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं पाओगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको, 4, यानी कि 4x करेक्ट प्लस 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c का वैल्यू 0 होने की वजह से हमने इसको नहीं लिखा खाली, ठीक है। तो क्या आपका फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट सम, अभी यहाँ पे रूट क्या दिया हुआ आपको, 3n माइनस 10, ये दो आपके सॉल्यूशन है, ये दो आपके रूट्स है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, पहला है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर अल्फा इज 3 एंड बीटा इज माइनस 10, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10 करेक्ट, विच इज 3 माइनस 10, या 3 माइनस 10 माइनस 7, एंड अल्फा इंटू बीटा दूसरा वैल्यू आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10 विच विल गिव यू माइनस 30, ठीक है। दोनों मिल गया अभी, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ये आपको पता होना चाहिए तो ये आप इक्वेशन फ्रेम कर पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका माइनस सेवन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 30 इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू जीरो, ये आपका फाइनल आंसर। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा 3n माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट सम, अभी यहाँ पे वैल्यू दिया है 1/2n माइनस 1/2, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बरोबर, जहाँ पे अल्फा होगा आपका 1/2 और बीटा होगा आपका -1/2। अल्फा इंटू बीटा डिटरमाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा, तो लेट्स फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 करेक्ट, प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो। अभी अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू -1/2 विच विल गिव यू -1/4, ठीक है। अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 0 0x प्लस -1/4 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज 0 करेक्ट, इसको हमने एज इट इज लिखा, प्लस माइनस माइनस -1/4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी ये देखो 0 को हमने एलिमिनेट कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा डिनोमिनेटर में 4 था इसलिए हम मल्टीप्लाई थ्रू बाय क्या करेंगे, अभी 4, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 कट हो गया डिनोमिनेटर से, एलिमिनेट हो गया। ओके नेक्स्ट सम, अभी यहाँ पे दो वैल्यू जो दिए है दो रूट वो क्या आपका 2 -√5 and 2 +√5, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बरोबर,
let alpha equal to 2 minus root 5 and beta equal to 2 plus root 5. अभी आपको इक्वेशन बनाना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 करेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 करेक्ट. और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5. अभी यहाँ पे 2 आपका ए हो गया, रूट 5 आपका बी हो गया, ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 बचेगा. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 1 ठीक है. अब इक्वेशन बनने का फॉर्म क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको 4 फोर एक्स प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस माइनस 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 1 इक्वल टू 0. ये आपका फाइनल आंसर ठीक है. नेक्स्ट सम ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट. यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है, इज डबल द प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी आपको रिलेशंस दिए हुए, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या आपका माइनस बी अपॉन ए करेक्ट. नहीं, यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग, पहला क्या लिखा हुआ है वो तो ठीक है, वैल्यू है सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज मतलब इक्वल टू, डबल मतलब टू टाइम्स, टू इंटू देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, टू टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया हुआ इक्वेशन बराबर. अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और वैल्यू लिखेंगे. तो ए का वैल्यू कितना मिला आपको 1, बी का वैल्यू माइनस 4 के, सी का वैल्यू के प्लस 3. ओके, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आपका माइनस बी अपॉन ए करेक्ट, इक्वल टू बी कितना आपका माइनस माइनस 4 के अपॉन 1 विच विल गिव यू 4 के, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए, के प्लस 3 अपॉन 1 विच इक्वल टू के प्लस 3. अब आपको दोनों वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, और उनका रिलेशन दिया हुआ है, तो इनमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा क्या आपका 4 के 2 ब्रैकेट में, अल्फा इंटू बीटा क्या आपका के प्लस 3, तो 4 के इक्वल टू 2k प्लस 6, 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, 2k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 3 ठीक है. ये आपका फाइनल आंसर, k फाइंड करना था, k हमने फाइंड आउट कर दिया. अब इस एक्सरसाइज से मिलते जुलते सारे सम्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, जो कि आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 एंड 3. जितने भी सम्स हमने किए इस पार्ट में सारे के सारे सम एक जैसे आपको मिलेंगे.